27 जनवरी ताजुद्दीन बाबा औलिया का जन्मोत्सव। हर साल यह दिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर साल देश विदेश के लोग इस कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में शामिल होते हैं। इस साल भी हर साल की तरह बड़े उत्साह के साथ भक्त यहां पर्व मनाने आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ताजुद्दीन बाबा का जन्मोत्सव इस साल बड़े उत्साह के साथ नागपुर के बड़ा ताजबाग परिसर में मनाया गया। इस वक्त देश के कोने कोने से लोग इस महोत्सव में शामिल हुए थे। लोगों का कहना है कि यह पर्व उनके लिए महत्वपूर्ण है, जिस वजह से वह हर साल इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। आज 27 जनवरी हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया का जन्मदिन, आप देख सकते हैं नागपुर का प्रसिद्ध बड़ा ताजबाग, जहाँ पे आज इस तरह से माहौल है। काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आए हैं। सिर्फ नागपुर से ही नहीं बल्कि देश के बाहर से भी लोग यहाँ पर हर साल जो है बड़ा ताजबाग में ताजुद्दीन बाबा का जन्मदिन उत्सव मनाने आते हैं। बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर होते हैं और बड़े उत्साह के साथ जो है यह पर्व मनाया जाता है। लोग आकर जो है यहाँ पर केक काटते हैं और महाप्रसाद भी किया जाता है। और आप देख सकते हो कि इस तरह से जो माहौल है यहाँ पर होता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनके साथ हम बात करेंगे। आज ताजुद्दीन बाबा का जन्मदिन है, क्या कहेंगे आप? हम लोग पूरा मिलकर आए थे हम लोग खुशी करने के। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से आए मैं। अच्छा, हर साल आते हैं आप? हर साल आते हैं मैं। और किस तरह से मनाते हैं ये पर्व? जन्मदिन है ना उनका, उसलिए सब उनके आते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं कि सिर्फ नागपुर से ही नहीं बल्कि आसपास के जो राज्य हैं, महाराष्ट्र के आसपास के, वहाँ से भी लोग यहाँ पर आते हैं। ये जो है वो आंध्र प्रदेश से आए, इसी तरह से जो लोग दिल्ली और कलकत्ता बाहर अन्य राज्यों से भी नागपुर में आते हैं। और आप अगर पीछे में देखेंगे कि तो इस तरह से जो है भीड़ है लोगों की और यह पर्व इसी तरह से मनाया जाता है। काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है लोग हर साल यहाँ पर आते हैं और यह उत्सव मनाते हैं। नागपुर में बहुत सी चीज़ें हैं, हर धर्म की जो है धर्मस्थल है, मगर ये जो मुस्लिम धर्मस्थल है काफ़ी प्रसिद्ध है। सिर्फ नागपुर में नहीं, देश में नहीं, देश के बाहर भी बड़े ताजबाग का बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पर आते हैं तो इस तरह से जो है माहौल यहाँ पर होता है। और हर साल लोग इसी तरह से इस जनवरी महीने में बाबा का जन्मोत्सव मनाने नागपुर में आते हैं। कैमरा पर्सन मोहर जी के साथ मैं प्रकाश शंकर, BCN न्यूज़ नागपुर।